आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन की। फिजिक्स का एक और चैप्टर आपके लिए हाजिर है। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, फिजिक्स क्या है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे, न्यूटन्स लॉ जाना था, फोर्स जाना था, फोर्स के इलस्ट्रेशन जाने थे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था। आज हम फ्रिक्शन देख रहे हैं। दोस्तों मैं बिल्कुल लोएस्ट लेवल से फिजिक्स शुरू कर रहा हूं और उसके बाद धीमे धीमे करके मैं हाई लेवल तक जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन इज द फोर्स रेजिस्टिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ सॉलिड सर्फेसेस, फ्लूइड लेयर्स एंड मटीरियल एलिमेंट्स स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। मतलब दो बॉडीज हैं और दो बॉडी जब स्लाइड करेंगी एक दूसरे के ऊपर तब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। दोस्तों एनर्जी निकलेगी। आप अपने हाथ, एक हाथ और दूसरे हाथ को जब एक दूसरे से रब करते हैं, क्या गर्मी पैदा होती है कि नहीं? यही तो है फ्रिक्शन। इसी को ही तो फ्रिक्शन कहते हैं कि दो सॉलिड सरफेस, फ्लूइड मतलब लिक्विड या मटेरियल एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन कर रहे हैं। रिलेटिव मोशन क्या? ये मान लीजिए ए बॉडी, ये बी बॉडी, और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये दोनों घूम रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पड़ोसी इधर जा रहे हैं और आप इधर जा रहे हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन मतलब जो आपका मोशन है वो रिलेटिव होगा। समझ रहे कि नहीं आप? तो रिलेटिव मोशन की प्रॉपर्टी होती है यहां पर फ्रिक्शन में। और जब दो सर्फेसेस एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं तब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। दोस्तों फ्रिक्शन की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। वैसे तो मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको पता ही कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से चिपक जाते हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स। अब दोस्तों ऐसा होता है कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या कोई इंसान चल पाएगा? आप अपने हाथ में पेन तक होल्ड नहीं कर सकते। तो फ्रिक्शन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अपने हाथ में पेन तक आपके पास नहीं रहेगा। आप खुद सोचिए, देखिए आप अगर मान लीजिए चल रहे हैं, जमीन पे चल रहे हैं, तो अगर आप चल रहे हैं, आप एक बॉडी है, जमीन दूसरी बॉडी है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को छू रही है, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो अर्थ है, जो जमीन है, वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं? लेकिन मान लीजिए कि बिल्कुल फ्रिक्शन लेस हो जाए, अर्थ बिल्कुल फ्रिक्शन लेस हो जाए, जमीन पे कोई फ्रिक्शन ही ना हो, तो क्या आप चल पाएंगे? आपको अगर कोई फोर्स अपोज कर रही है तभी तो आप खड़े हुए हैं। आप चल रहे हैं, ये जमीन आपको रोक रही है, इसीलिए आप खड़े हैं। लेकिन अगर जमीन आपको रोके ही ना तो आप चल ही नहीं पाएंगे, आप तो गिर जाएंगे। जैसा आपने होटल्स में देखा होगा, बिल्कुल सपाट सरफेस होता है और उसमें अगर आपने चिकने जूते पहन लिए तो आप गिरेंगे। शूज का जो अगर आप नीचे का एरिया देखें तो वो खुरदरा होता है। क्यों? ताकि फ्रिक्शन ज्यादा हो। फ्रिक्शन नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। दोस्तों फ्रिक्शन बहुत सारी चीजें करता है। फ्रिक्शन एक फोर्स है, ठीक है, एक तरह की फोर्स है वो, और वो फोर्स बहुत जरूरी है हमारे रोजमर्रा के कामकाज के लिए। लेकिन फ्रिक्शन एक खतरनाक चीज इसलिए है क्योंकि जब ये मशीन्स में अप्लाई होता है, आपको पता ही है कि कोई भी मशीन है उसमें भी जितने भी पार्ट्स होते हैं वो भी एक दूसरे से फ्रिक्शन करते हैं, ठीक है। एक सरफेस मशीन का दूसरे सरफेस मशीन से वो वियर एंड टियर होता रहता है, तो इसकी वजह से मशीन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा घट जाती है, मशीन का आउटपुट बहुत ज्यादा घट जाती है। तो अगर मशीन्स में फ्रिक्शन होता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। ये एक ऐसा शैतान है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फोर्स है जो चीजों को रोकता है, लेकिन जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे भैया। फोर्सेस का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं? इसमें दोस्तों मॉडर्न थ्योरी भी है फ्रिक्शन और सरफेस एडिशन की, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा जब मॉलिक्यूलर फिजिक्स पे आऊंगा। एटम्स और न्यूक्लियर के बारे में जब हम बात न्यूक्लियस के बारे में जब हम बात करेंगे तब बताऊंगा। अब कितने तरीके के फ्रिक्शन होते हैं? एक होता है स्टेटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। वैसे दोस्तों फिजिक्स में हमेशा दो ही टाइप्स होते हैं, एक जब बॉडी रेस्ट पे होती है, एक जब बॉडी मूव कर रही होती है। अगर बॉडी रेस्ट पे मतलब आप खड़े हुए हैं तो क्या होगा? स्टेटिक, यानी कि उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आप मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। यही तो आइंस्टीन ने बोला था ना कि एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड
नॉर बी मेड बट इट सिंपली कन्वर्ट्स, ठीक है, एनर्जी को कोई बना नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो आप समझ गए होंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब फोर्सेस अपने आप को बैलेंस कर ले, बिल्कुल स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी स्टेट रहे बॉडी की, और फोर्सेस अपने आप को बैलेंस कर ले। अब दोस्तों यहां पे अगर आप चल भी रहे हैं, ठीक है, तब भी अगर फोर्सेस बैलेंस है, आपकी बॉडी जो है वो बस स्टेशनरी होनी चाहिए, बिल्कुल रुकी होनी चाहिए, उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, अब अगर हम देखें इसमें कौन कौन सी फोर्स लगेगी, सबसे पहले तो दोस्तों अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी W। अब अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि एक रिएक्शनरी फोर्स होगी ऊपर R, ठीक है। अब ये ब्लॉक इस साइड जा रहा है, हल्का सा हमने पुश दिया तो फोर्स P जो है, P मान लीजिए हमने फोर्स को लिख लिया, तो P जो फोर्स है वो यहां पे जा रही है। और इसके ऑपोजिट अब दोस्तों जब ये ब्लॉक मूव करने लगा तो ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा इस ब्लॉक पे, तो इसको हम नाम देते हैं क्या, एफ एस। यही हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टेशनरी स्टेट है और आपकी फोर्सेस बिल्कुल बैलेंस है। बैलेंस मतलब क्या हुआ कि अगर W को देखें तो W इज इक्वल टू माइनस R, माइनस समझ रहे ना, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है तभी तो बैलेंस होगा ना। और अगर इसको देखें, इस फोर्स को देखें, तो P इज इक्वल टू माइनस एफ एस। तो ये देखिए सब पूरा का पूरा बैलेंस है और इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें दोस्तों तो काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत आसान है, जब दो बॉडी रिलेटिव मोशन में होती है, जैसे आपके दोनों हाथ एक और दूसरा, दोनों हाथ को मूव करिए तो आपका एक हाथ भी मोशन भी है, दूसरा हाथ भी मोशन में है, और दोनों हाथ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। दो पार्ट में डिवाइड है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड करती है, ठीक है ना, और रोलिंग फ्रिक्शन मतलब जब बॉडी एक दूसरी बॉडी पे रोल करती है, मतलब सर्कुलर मोशन, जैसे बॉल को आप जमीन में फेंक दीजिए तो वो रुक जाती है ना। अच्छा एक चीज और, आप देखते होंगे कि जब बॉल को आप जमीन पे फेंकते हैं तो वो थोड़ी दूर जाके रुक जाती है फ्रिक्शन की वजह से, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो रुकेगी ही नहीं। फ्रिक्शनलेस फ्लोर्स बहुत खतरनाक होते हैं, तो ये चीज है। अब अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। R जो होती है वो रिएक्शनरी फोर्स होती है, म्यू जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, समझ रहे हैं ना। ये बताता है कि कितना ज्यादा फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस किया, ये स्पेलिंग गलत हो गई, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, यहां पे एक ही ए और यहां पे भी एफ होगा, आई एम सॉरी, ठीक है, तो थोड़ी सी कोफिशियंट की स्पेलिंग गलत हो गई है, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। तो ये बताता है म्यू जो है वो ये बताता है कि फ्रिक्शन जो है वो कितना ज्यादा होगा। दो फोर्सेस काम करेगी ना, एक तो आपकी और एक जो रिएक्शनरी फोर्स है जमीन की, ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, याद रखिएगा ये वो फोर्स है जो आपको रोकती है, ठीक है ना, इसीलिए बड़ी खतरनाक होती है और बहुत अच्छी भी होती है, तो ये चीज है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन से एंगल पे जो मतलब जो नॉर्मल फोर्स और जो फ्रिक्शनल एंगल होता है, फ्रिक्शन के बीच का एंगल होता है वो क्या होता है। यहां से दोस्तों मैं एक चीज रिलेट करूंगा, एक चीज डिराइव करूंगा, वो है टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू, यानी कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टैन थीटा, यानी कि दो फोर्सेस के बीच में एक टैंजेंट बनता है। चलिए दोस्तों देखते हैं ये कैसे होता है। अगर मान लीजिए कि ये एक ठीक है, चलिए अच्छा मैं यहीं पे बता देता हूं, ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, अब इस पे फोर्स क्या होगी, एक तो ये वाली R होगी, ठीक है, एक तो W होगी, मतलब W जो है वो तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, वेट होगा, और उसके रिएक्शन में ये R होगी, क्योंकि भैया न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है ना कि अगर एक फोर्स यहां पे है तो उसके रिएक्शन में भी यहां पे फोर्स होगी, तो ये दोनों फोर्स होंगी, आई होप ये चीज आप समझ रहे होंगे। उसके बाद एक अगर ब्लॉक इस साइड मूव कर रहा है तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तभी मूव कर रहा है, उसको नाम दे दीजिए P, और उसकी रिएक्शनरी फोर्स क्या हो गई, F, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई जो इसको अपोज करेगा। अब दोस्तों अगर मैं यहां से एक टेंजेंट बनाऊं, ठीक है, टैन बनाऊं और इसको एंगल दे दूं ये थीटा, ठीक है, और अगर मैं यहां से टैन थीटा निकालता हूं तो टैन थीटा क्या आता है, क्या होता है, याद है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, ये थीटा के एंगल वाला, हमेशा थीटा के सामने, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर रहता है, और ये जो एफ है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये आर है, ये जो रिएक्शन फोर्स है ये क्या हो गया, बेस, एफ अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू। आई होप ये चीज आप समझे होंगे, नहीं समझे तो मैं फिर से बता दे रहा हूं। अगर अगर एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है, म्यू को अगर हम निकालते हैं तो एफ अपॉन आर आता है, आता है कि नहीं, और टैन थीटा भी म्यू, यानी कि म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, ये चीज आप समझे कि नहीं। तो ये हमने डिराइव किया है, जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे ना फ्रिक्शन के, उससे हमने एफ अपॉन आर निकाला है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रिक्शन के। एग्जांपल्स क्या, चलिए एग्जांपल्स वैसे तो मैं बता ही चुका हूं, चलिए पहले मैं बता देता हूं कि फ्रिक्शन नेसेसरी क्यों है। ठीक है, देखिए पहली चीज है, अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो मैंने बता दिया कि आप वॉक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे फीट और हमारे ग्राउंड में फ्रिक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ग्राउंड स्लिप करने लगेगा ना, जैसे जब बारिश होती है। ठीक है, बारिश में फ्रिक्शन चला जाता है तो आप फिसल फिसल के गिरते हैं, यही चीज होता है। दूसरा एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, हाँ, टायर्स, व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं उनको रफ बनाया जाता है। ठीक है ना, आपके जूते भी रफ होते हैं ताकि आप आराम से चल सके, फ्रिक्शन पैदा हो सके। अगर व्हीकल्स, गाड़ियों के टायर को रफ नहीं बनाया जाएगा, खुरदरा नहीं बनाया जाएगा दोस्तों, तो सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट होगा, सारी गाड़ियां स्लिप होने लगेगी। तीसरा अगर बोलें तो दोस्तों, ये फैक्ट्रीज में जितनी भी मशीन्स होती हैं वो रोटेट होती हैं, आपको पता ही है, जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो रोटेट होते हैं। वो रोटेट क्यों होते हैं, बेल्ट और पुली के बीच, बेल्ट और पुली की वजह से वो रोटेट होते हैं, और बेल्ट और पुली की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। अगर ऐसा नहीं हो तो मशीन काम ही ना करे। जब आप चढ़ते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, तो फ्रिक्शन होता है। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं हो तो किसी की जान बचेगी क्या? अब ये खतरनाक क्यों है, ईविल क्यों है? सबसे पहली बात, मशीन में वियर एंड टियर हो जाता है, मशीन खराब होने लगती है। ठीक है ना, दूसरी चीज होती है कि जब बहुत ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने हाथ को जब रगड़ते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है ना, जितनी ज्यादा तेज रगड़ेंगे, जाड़ों में हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं ठंड में, कि हाथ को रगड़ना शुरू कर देते हैं, और बोला भी जाता है जब बहुत ज्यादा ठंड लगे तो हाथ को रगड़ो, पैरों को रगड़ो, तलवों को रगड़ो, तो इससे क्या होता है दोस्तों, हीट प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे ही मशीन के डिफरेंट पार्ट्स में भी फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट सबसे बड़ा दुश्मन है, गर्मी सबसे बड़ा दुश्मन है मशीन की। भैया कोई भी अप्लायंस, कोई भी मशीन क्यों खराब होती है, जब वो, जब उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है, तभी कहते हैं ना वो मशीन जल गई है, टीवी जल गया है, फ्रिज जल गया है, तो ये चीज है। और इसी की वजह से इन मशीन्स में आपको एक्स्ट्रा पावर अप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि एनर्जी का वेस्टेज होता है एक तरीके से, ताकि फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके। तो इसीलिए बोला जाता है फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। वैसे आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉलिश कर दीजिए, पूरे सरफेस को पॉलिश कर दीजिए मशीन में। अब ऐसा नहीं हो कि अपनी घर में पॉलिश कर देना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, गिरेंगे फिसल फिसल के, ऐसा नहीं। मशीन्स को अगर, मशीन्स में अगर फ्रिक्शन कम चाहिए, दूसरी बात लुब्रिकेशन कर दीजिए, सब्सटेंस लगा लीजिए, लगा दीजिए, जो चिकना सब्सटेंस होता है ना, थिन लेयर बना देगा दो सर्फेसेस के बीच में, तो कम हो जाएगा। मॉइस्चर को अवॉइड करिए, एलॉयज को यूज करिए, ये सब कुछ तरीके होते हैं ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। आज आपका एक होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, व्हाई इज इट इजियर टू पुल अ बॉडी देन टू पुश इट। फ्रिक्शन से ही रिलेटेड है, मुझे अभी ये सवाल याद आ गया, कि किसी भी बॉडी को खींचना आसान होता है, पुश करना ज्यादा मुश्किल होता है ना। आप किसी को भी, अपने बेड को खींच सकते हैं आसानी से, लेकिन पुल करने में हालत खराब हो जाती है, मतलब धक्का देने में। चलिए बताइए ऐसा क्यों है। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।